मैडम फ्लोर भीगा हुआ है। तो मैं क्या करूं? देखिए फ्लोर गंदा हो गया, अब मुझे फिर से साफ करना पड़ेगा। देखो तुम अपने औकात में रहो, समझे? मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपने ही घर में कैसे चलना है। दोबारा साफ करो। मैडम मैं तो बस यही कह रहा था कि फ्लोर सूख जाने तक तो वेट करती आप। तुम्हारे मुंह पर पैसे फेंक के मारे मैंने और फिर भी तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। क्या हुआ बेटी? पापा आपके नौकर को तमीज सिखाइए, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मालकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और ये पैसे क्यों फेंके तुमने? पापा इनके साथ ना ऐसा ही करना चाहिए। सुनो तुम पैसे उठाओ और दोबारा से साफ करो। मालिक मुझे माफ कीजिए, मैं और यहाँ आप काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। राहु सुनो। पापा देखा कैसा घमंडी नौकर है, इन लोगों को ना सबक सिखाना ही चाहिए। गरीब होकर भी इनकी अकड़ नहीं है। देखा आपने पैसे तक नहीं उठाए इसने, ये ना गरीब होने का सिर्फ नाटक करते हैं, गरीब है नहीं ये लोग। बेटा तुम्हें रामू के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। मेरे पापा ने फीस नहीं दिया जी? नहीं। अच्छा मैं उनसे बात करती हूँ। देखिए तीसरा महीना है, अगर अभी भी आपका फीस नहीं भरा गया तो हम आपको एग्जाम में नहीं बैठेंगे, बस यही कहना था। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। थैंक यू। हेलो पापा, पापा आपने मेरा फीस नहीं भरा अभी तक। अरे बेटी मैं तो भूल ही गया। पापा पैसे कैसे भूल सकते हो? अच्छा बेटी मैं अभी वॉक पे निकला हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे पापा आपको मजाक लग रहा है क्या? आप अगर फीस नहीं भरोगे तो वो लोग मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, आप जल्दी से फीस भर दो। और हाँ मुझे ना थोड़े पैसे भेज दो, वो क्या है ना पेट्रोल भरवाना है। ठीक है पापा मैं रखती हूँ। पापा आपने मेरे कॉलेज का फीस क्यों नहीं भरा? खुद भर लो अपना फीस। खुद भर लो मतलब? हाँ अपना फीस खुद भर लो। पापा आपको क्या मजाक सूझ रहा है? आपको पता है अगर आपने कॉलेज का फीस नहीं भरा तो वो लोग मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, और आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं बेटी, सबक सिखा रहा हूँ। सबक? कैसा सबक? तुम खुद से अपना फीस नहीं भर सकती हो, ना ही पेट्रोल भरवा सकती हो, पर किसी मजबूर के मुंह पे पैसा फेंक सकती हो। किसने दिया तुम्हें ये हक? किस हक से तुमने ऐसा किया? कम से कम रामू तो अपने दम पे कमाता है। उस दिन गलती तुम्हारी थी, मैं पैसे देता हूँ तब जाके तुम्हारे कॉलेज की फीस, तुम्हारे शॉपिंग, तुम्हारी नेसेसिटी पूरी हो पाती है। किस बात का गुरूर है तुम्हें बेटी? अपने बाप के पैसे का? किसी गरीब पे उंगली उठाने से पहले खुद के बारे में सोचो। मेरे बिना तुम कैसे करोगे पैसे का घमंड? पापा मैंने तब रियलाइज नहीं किया था। अब किया है? जी पापा। तो जाओ माफी मांगो रामू से। आपने बुलाया मैडम? मुझे माफ कर दो रामू। कोई बात नहीं मैडम, आपको अपने गलती का एहसास हो गया यही बड़ी बात है, पर आपसे मैं एक विनती जरूर करूंगा कि फिर आगे कोई गरीब का मजाक ना बनाए, हम गरीब ही बहुत मेहनत से कमाते हैं। बहुत
बहुत दुख होता है। रामू, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। देखिए, आपके एजुकेशनल कोर्स के फीस का ईएमआई अभी तक नहीं जमा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पापा ने फीस नहीं दिया। जी नहीं,